रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के ग्राम पंचायत मजीठा में आवास वाला मुद्दा गहराते जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा अपने अपने व्यक्तियों का आवास को पास किया गया है, लेकिन गरीबों का एक भी मकान नहीं आया है। साथ ही कच्ची मकानों में रहने वाले किसानों का आवास नहीं आया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। हम लोग पहुंचे हैं आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मजीठा। मजीठा में ग्रामीणों के द्वारा यह शिकायत है कि यहां पर जो आवास आया है उसमें पूरी तरह से सरपंच, सचिव और रोजगार सहायिका के द्वारा फर्जी तरीके से किया गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि जिनका जिनका घर बन चुका है, पक्की घर बन चुका है, पक्का मकान है, उनका भी आवास आया है, लेकिन जिनका घर नहीं उपलब्ध है उनका अभी तक नहीं आया है और पैसा का लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है। इसमें जानते हैं ग्रामीणों द्वारा जानकारी किस तरह से यहाँ पर सरपंच को बैठा गया है और किन किन मांगों को लेकर ये लोग अपने दम में अड़े हुए हैं। हेलो, मेरा नाम प्रकाश मारकंडे है, मैं ग्राम पंचायत मजीठा का निवासी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवास के लिए आज ग्राम सभा में बैठका चल रहा है और आवास उन्हीं लोगों का आया है जिन लोगों का दो बार आवास आ गया है, जिनके घर अच्छी पक्की छत वाला घर है, जिनके घर टाइल्स मार्बल लगा है, ठीक है, जिनका 7-8 एकड़ जमीन है, उन्हीं लोगों का आवास है। दूसरी बात, सरपंच के एकदम घनिष्ठ करीबी लोगों का ही आवास में नाम आया है, ठीक है। तीसरी बात, आज भी मजीठा में बहुत गरीब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। उन आप देखेंगे, घर देखेंगे आप, उनका कच्ची मिट्टी का घर है, खदर वाला घर है, टूट फूट रहा है घर, उन लोगों का आज तक भी आवास नहीं मिला है। उन लोग 50-60 साल से मजीठा में निवास कर रहे हैं, उनका 1-1.5 एकड़ भी जमीन नहीं है, मेहनत मजदूरी कुली कबाड़ी करते हैं, रोपा लगाने जाते हैं, निंदाई करने जाते हैं और रोजगार गारंटी में काम करते हैं, उन लोगों का आवास आज तक नहीं मिला है। सुनने में आया कि जिस समय सर्वे किया गया था शिक्षकों के द्वारा, पैसा का लेन देन का भी मामला सामने आया, क्या सर्वे किया गया था, उनमें सभी ने लिखवाया है आवासहीन है, ऐसे करके कई लोगों ने लिखवाया है एक कमरा, कई लोगों ने दो कमरा लिखवाया है। जैसा सर्वे कराया गया है आवासहीन लोगों का 0-0 है ना, उनमें से एक भी लोगों का भी नाम नहीं आया है। और जो एक एक दो दो तीन तीन कमरे के हैं, अच्छा अच्छा घर बना लिए हैं, उन लोगों का नाम आया है। और सर्वे के समय 1,000, 1,500, 5,000, 10,000 रुपया दिए हैं, ऐसा कर लिए हैं, और कई लोग दिए भी हैं लालच में, चलो भाई मिल जाएगा, ऐसे करके गांव वाले भोले भाले होते हैं। उन लोग वैसी शिकायत कर रहे हैं। अभी ग्राम पंचायत में बैठक चल रहा है, क्या मुख्य मतलब बिंदु पर चल रहा है? ग्राम पंचायत में मुख्य बिंदु यही है कि आवास के लिए चल रहा है, जो आवास के लिए पात्र है, जिसको मिलना ही चाहिए, एक्चुअल में जो गरीब है, निर्धन है, जो उन्हीं को मिलना चाहिए, इस पर चर्चा हो रहा है। इस पर हो रहा है कि आप बड़े बड़े लोगों का अच्छा अच्छा घर है उनको आप आवास दिए हैं, उनको काट के गरीब निर्धन लोगों का आवास दिया जाए। आपका क्या कहना है, इस तरह से आप बता रहे हैं कि पक्की मकान है, टाइल्स लगा है, उनका आवास आया है लेकिन गरीबों का नहीं आया है, हाँ। क्या कहना है, क्या मिली भगत क्या शंका जता सकते अधिकारी द्वारा, सरपंच द्वारा? हाँ, मैं मिली भगत का शंका पूर्ण रूप से जताऊंगा, रोजगार सहायिका, सरपंच, सचिव और शैलेंद्र वर्मा सर और तुलसी घृत लहरे सर, और सचिव आए थे सत्यापन के लिए वर्मा, उन लोगों का मिली भगत है, मैं पूर्ण रूप से इसमें सहमत हूँ। मेरा जन्म यही है, 27 साल हो गए मेरा उम्र, आज तक मेरा यही है, मेरा घर देखो टूटा फूटा है, आज तक 3 महीना हो गया राशन बनाने के लिए दिया हूँ सरपंच सचिव को, आज तक ही राशन नहीं आया, पैसा भी ले चुका है 1,000 रुपया राशन कार्ड बनाने का। आवास योजना का लाभ मिले? आवास योजना कुछ वाली पेंशन बस मिलता है, उसमें क्या चलते है, मेरा बीवी भी विकलांग है और मैं भी, आज तक की योजना भी नहीं मिला है मेरे को, जेकर मन क्या है, हमारा डबल टिबल रथ हवा पूंजीपति वाला मन क्या है, जब विकलांग आदमी मोला नहीं मिला थे, या सरकार भी मैं कुछ योजना नहीं दी थी, कंप्यूटर भी कर चुके हैं,
बेरोजगार भत्ता भी दूं के आज तक मिला भी नहीं मोला। उम्र भर ये हन और पूछ ले गांव भर के पूरा कैसने का स्थिति तेन ला। लगभग कै साल हो गया मोला गांव में रहा। जन्म तिथि ये है चाहे जिंदगी ये मिलता था। अभी दूरूम है समस्या हुआ था। अभी तो झिल्ली तो पे हन सर ते देख ले जाग घर ला चेक कर ले। मोला अभी का है ये इंदिरा आवास के नियम चालू अभी सुने तब आवत हम बहुत घर ले। हाँ मीटिंग है इसे कि नहीं तब दो तीन रूम का है मगर वो कच्ची है। जिसका आया है उसी का और आया है उसके परिवार का और जिसका नहीं है हमारा एको बार नहीं आया है। मैं 55-56 साल से रह रहा हूँ। जो सर्वे करे सर मन आए पहली में वो सर्वे करके गए जो सर्वे करके गए सर मन ओकर हिसाब से लिस्ट बना है जनपद में ओकर हिसाब से आए नाम लिस्ट कैसे ओकर बाद जब जाके सर्वे आए के बाद हम मैं मोर जगह पूछे बार के कर सर्वे करना है सत्यापन करना है तो मैं बोला ठीक है भाई जेकर है जेकर सर्वे करो सत्यापन है तो करो कर दे कोई गरीब के नहीं छूटना चाहिए। ओकर अलावा दो दो बार हाका परवाह जो बाहर बाहर इस बुला लो वो बेचारा कार छूटे गए और ये मन बोला थे कि पैसा ले करके कहा थे ये पूरा फाल्स बात है। सरजी सरपंच सचिव भी अभी अभी साथ में है आप मत पूछ सकता कि हमें कितना पैसा ले हैं काका लिस्ट ले है हमारे लिस्ट ये मन बोलत भी है कि लिस्ट ले गए करके अपने बना दे सचिव सरपंच बना दे है सहायक बना दे तो हम पूर्ण लिस्ट ले गए हैं आप मन जाके पता कर सकते हो जनपद जावा गुरु जी पूछ लो सब चीज बोल रहा कलेक्टर अधिकारी पूछ ले कि सरपंच साइन करके कौन सा लिस्ट बना के दे आप ये पूछ सकते हो। ग्रामीण पता करे हो अरे वाह बहुत पैसा दे बोला ऐसे बात नहीं है आज का पैसा कहा थे ना एक पैसा रुपया ना जाना थोड़ा पूछबे कौन राशन कार्ड बना है मोला पैसा दे है सचिव भी अभी साथ में है हम कब पैसा लेके गए हैं पहला बताही हितग्राही जो जमा भी करत रही से 2015 कहा थे 5 रुपया भी नहीं दे है हमन के भाई साथ रहे सरकारी काम है सरकारी योजना है भाई ये तो योजना लागू करे है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हमारे बहुत बोले ना राशन हर घर राशन कार्ड होना तो वो पैसा नहीं लेना तो हम सरपंच कौन होता पैसा ले अभी तक कौन सरपंच हमें पैसा ले का राशन बना है तो पैसा ले है ना हम दोनों को सरपंच पैसा दे रहा है ग्राही बना।